सो ये देखो क्या आदमी की इज्जत है यहाँ पे, इसी में जानवर पानी पी रहे हैं, इसी में आदमी पानी पी रहे हैं। ये देखो यहाँ आदमी जानवर में कोई फर्क नहीं है। ये लो अभी इसकी कमी थी। ये लो वन मोर लेते हो, जो यहाँ से लिए वाटर लेवल को ज़्यादा ही ऊंचा है। है ना दुखता है दोस्त, बताओ ये भी जिंदगी है बेचारों की। तो ये है इथियोपिया में मोबाइल रिफिल स्टेशन जहाँ पेट्रोल और डीजल आप रिफिल कराएंगे। रिमोट एरिया में जाने के लिए ना आपको यहाँ कहीं पे भी पेट्रोल पंप वगैरह नहीं मिलेंगे जो प्रॉपर सेटअप रहता है। ऐसे छोटे छोटे दुकान वाले ये डीजल वगैरह लेके ड्रम में लेके बैठ रहते हैं, तो सब उनको पैसा दो और ये लोग रिफिल कर देते हैं। ये ओमोबेली इतना रिमोट एरिया है ना, यहाँ टेक्नोलॉजी का नाम ना के बराबर ही है। सब लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में यहाँ लोग सर्वाइव करते हैं, बहुत मुश्किल है यार रहना वगैरह। तो ये देखिए क्या गजब बच्चे हैं ये, एक्चुअली बन्ना ट्रैवल से बिलोंग करते हैं और हमारे ड्राइवर जो थे उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि हमारे जो मिनी वैन थी उसमें मोस्टली टूरिस्ट थे, तो उनकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने यहाँ स्टॉपेज लिया था। तो वैसे यहाँ स्टॉपेज नहीं है और स्टॉपेज लेते ही ये छोटे छोटे बच्चे आ गए अपने कर्तव्य दिखाने के लिए। बहुत गरीबी है यार, बहुत गरीबी है, लेकिन देखिए बच्चे फिर भी मस्त हैं यार। तो हेलो फ्रेंड्स, आज है तारीख 30 सितंबर, टाइम हुआ तकरीबन सुबह के 10। ये पहुंच चुका हूँ मैं जिन का ये रूम, ये एयर कंडीशन रूम बोलते हैं इसको। ये देखिए ये पंखा सा लगा दिया और ये दिस इज एयर कंडीशन रूम। वाह यार सही है ना एयर कंडीशन यहाँ का, सो दिस इज एयर कंडीशन रूम। एक्चुअली क्या ना हमें वहाँ से जल्दी भागना पड़ गया, आरी से कुछ उधर प्रॉब्लम हो गया था और हन्ना और बन ट्राइब में कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया और उन्होंने एक को शायद वहाँ मार मूर दिया। तो मेरा गाइड बोला कि यहाँ से निकल जाओ अच्छा रहेगा, तो हम लोग वहाँ से निकल आए। हम लोग पहुँच चुके हैं जिनका अभी और ऐसा रूम हमने चेंज किया है कि पिछली बार भी मैं बिल्कुल नहीं सो पाया था, इतनी गर्मी थी पूछो मत। तो बस ये है रूम मेरा 121 रूम, ऐसा सही है। बाकी यार गर्मी पूछो मत, यहाँ पंखे होंगे क्या ना, कुछ नहीं है और इसको एयर कंडीशन बोलते हैं। चलो आता हूँ फिर देखते हैं। वैसे पास्ता मंगाया था ये नूडल्स लेके आया, उसके अंदर भी बिल्कुल नमक मिर्ची कुछ भी नहीं है। मतलब सॉस मंगवाया और नमक मंगवाया यार, खाने की बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा फालतू सा ही है।
तो आज हम निकले हैं हम आरी विलेज के लिए। तकरीबन कितना 5 किलोमीटर यहाँ से 4-5 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना पड़ेगा। शाम के हो गए तकरीबन 3:15। मौसम बहुत बढ़िया हो गया। बस हम मैं अब्राहम और बरकत तीनों जा रहे हैं ट्रैक करते हुए। लो भैया गधे की सवारी भी कर लो आज। लोकल कार and corn injera and sorghum injera. Sorghum. But the tribe here, the Ari, used the maize injera because they don't have a mill house around here. So they just grounding by hand and then they make it injera. Local beer. From the corn injera. Corn injera. And they are also well known by blacksmith. Blacksmith, yeah, Iron Man. They making axe. And everything. And they are making also local beer, Hareke. Okay. We call Hareke, this is the most strong one. So the Ari people prepare this. Sometimes the Mursi people, they come to Jinka to buy from them. You know, they know how to make it, the Mursi. They don't know how to make it. To just they buy. Just come Jinka and they buy from the Ari people. Yeah, so the Ari people, the place very green and everything like cool, you know. Cool. Very green. They have fruit and vegetable, everything. They don't come to market to buy food, anything. Mm. They have everything. They are farmers people. Farmers. They farming corn and potato, everything they can make it. Dumbo King. Village. तो ये बता था आपको, जैसे मान लो यहाँ जो भी ज़मीन का मालिक है उसको खेती करानी है तो वो खुद तो सारा काम कर नहीं सकता, इसलिए वो क्या करता है कि यहाँ लोकल्स को इनवाइट करता है। अब लोकल्स क्यों आएंगे भाई, तो वो मकान मालिक, ये जो लैंडलॉर्ड है, वो क्या करेगा लोकल्स के लिए लोकल बियर, लोकल फूड और इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूज़िक है वो, और इनके खाने पीने रहने का सारी व्यवस्था करेगा। तो ये लोग जो आरी के जो दूसरे लोग हैं ही आते हैं और यहाँ काम करते हैं, लोकल दारू पीते हैं, लोकल खाना खाते हैं, म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो सुनते हैं। और सेम ऐसा है जब ये घर बनाते हैं तो भी ये इनको ये इन्वाइट करते हैं और ये जो चीज़ें ऑफर करते हैं तो ये लोग आते हैं। तो इसको बोलते हैं डम्बो। डम्बो मतलब वर्किंग इन टीम। तो आरी जो हैं ये यहाँ ज़्यादा सिविलाइज हैं और मोस्टली जो इनकी पॉपुलेशन है ये अच्छी ज़्यादा है ओमो के अंदर, और सबसे सिविलाइज बंदे हैं, मिल बांट के काम करते हैं, जबकि दूसरे ट्राइब्स हैं उनमें ये चीज़ें नहीं हैं। तो ये पूरे जो खेत देख रहे हैं ना आप, ये आरी वालों के खेत हैं। ये ग्रीन है, ये मोरिंगा है, केले उगाते हैं, पपीता है और भी काफ़ी चीज़ें उगाते हैं लोग ये। तो ये हम पहुँचे हैं हम आरी विलेज और एक छोटे से घर में हम लोग आए हैं देखने के लिए। तो टोफू बता रहा है कि क्या है सीन यहाँ का। And the dot dots are a black charcoal. We still have one ourselves. As well, you can enter one of the house. Can enter inside the house. Enter, no problem. Wow, bro, it's so small. In this house, 5-6 people live. Here, this is the sleeping bed. They make it by hand. Okay, yeah. This. And then in the night time, they can make a floor here. Sleeping. It's very beautiful. A small hut. Yeah, small hut house. Why they make this door so small? This one? Yeah, very small door. They like this kind of shape. Okay. Because the house stand. Oh, injera? Yeah, go. Abrilo, yo me quiero echar a little chale, yo ando en este suelo. Ando en este suelo. Yeh hai to dosa yahan ka, dekh lo finally. Thank you.
body, by the way, this is a woman work. Okay. If you are a woman, she will invite you. Let's try. So this is not a kit, it's not a sponge. This is from maize and sorghum. Okay. In Ari, maize and sorghum are like a common food. Common food, okay. They make out of maize and sorghum. In Ethiopia. And the sweet potato is also from. 3-4 minutes maximum. Is it ready? Yeah. Especially it depends how the fire is, how high is it. Okay. And grounding on this. ये सिलबट्टा यहाँ का इनका ये हर चीज ये देखे कॉर्न कौन कौन से पीस के बनाते हैं By the way, they don't have any grinding mill in the village. This is a local grinding mill. This is how they grind. See. What is this? Is it dry corn? It's a corn. Dry? Dried, dry. But smooth dried, not hard dried. Okay. Yeah. Easy to grind. So here there is ginger, tomato, and cardamom. Okay, yeah. This cardamom, which is very expensive. Garlic, onion. So this all is like to make a kind of. You mix things. Okay. No. Local. The coffee. Coffee. Okay. Just in my family house. Okay. The herbal. Leaf coffee. Leaf. Okay. Yes. That's very important for common. Oh, very tasty. Yeah. Very tasty. Even if we prepare for good medicine for corona. So. Coffee. Yeah. No. That coffee which is made of leaf. And those stuffs. Can I get a coffee here? Yeah, if yeah, on the way that some place we come. That's awesome. Wow, such a big. Now she was doing the small size. And you can taste it later. Yeah. Enjoy that. It's a fresh. Don't worry. No stomatic. Nothing. We all taste. We all taste. Okay. You are not the only one. I can't eat so much. Yeah, just taste. This one very soft. Very soft. To ground it. Yeah. There is a different kind, hard one and very soft one to ground. So. This. Corn. Yeah. Injera. Injera. Spirit. This is very spongy. Yeah. Spongy. No! Yeah! Please! What? You're not going to get a man. 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 You're not going to get a ये देखिए बेबी जो घर है ना गाय के गोबर से मिट्टी से मिक्स बनाते हैं कितना सुंदर लग रहा है मौसम देखो यार सही हो गया ये भी इन जरा खाया नहीं गया मेरे से ये गांव के बच्चे लग लिए पीछे कब से फॉलो कर रहे हैं सीधे बच्चे हैं बेचारे गरीब हाँ कभी कैमरे में देखा इन्होंने तो इतना खुश होते हैं तो फोटो खींचते हैं लेकिन बाद में 20 भी 10 भी हर फोटो का ही टूपे तो अभी हम पहुँच गए आरी विलेज
यहाँ पे भी ना अनानास अनानास ही बोलते हैं अपने ऊपर माइंड में पहले पर बोलते हैं ये अनानास बोलते हैं उसको बताओ मैं समझा दे लग गई। और ये देखिए एक के साथ तीन तीन शेर। हालांकि अभी तक सेफ ही लग रहा है, कल हम लोग जाएंगे मुर्सी तब देखते हैं वहाँ के क्या सीन है यार। मुर्सी के चक्कर में तो इतना दूर आया हूँ, कल जाएंगे मुर्सी, फिर परसों डॉर्जे और 4 तारीख की तरवान की फिर हाई एडिस के लिए। बाकी मज़ा आ गया, कुछ खाने को मिला नहीं ढंग से, भूख है, वो कह रहे कि वजन जरूर कम हो गया होगा और खांख रहे मोटे बुझी है और पट्टी एक हर काम चल रहा हूँ, ये साथ में लेके आया था मैं, बस उसी पे काम चल रहा है। सुबह दिखाई थी मैंने आपको पास्ता, पास्ता बोल के नूडल्स पकड़ा दिए। Look at that view. एकदम गांव के एंड में ना छोटा सा, बहुत छोटा सा एक वाटरफॉल भी है और इसके साइड छोटी सी नदी बन के निकल रही है, पानी बहुत ठंडा था। तो तोफू जो है हमारे साथ में उसको बहुत पसंद है नदियाँ वगैरह, तो जहाँ भी ये पानी देखता है हाथ में धोने बैठ जाता है। तो यहाँ पे बैठ गया, हम लोग भी थक गए थे तो बस यहाँ थोड़ा सुस्ताने लग गए और आजू बाजू के जो गाँव के बच्चे थे वो हमें देख के आ गए। बहुत सुंदर एकदम शांत गाँव है, कोई टूरिस्ट नहीं थी, कोई टूरिस्ट नहीं है, सिर्फ अकेला मैं और उनके लोकल्स के साथ में हूँ। मैं इतनी शांत जगह है कि यार वापस जाने का मन ही नहीं करता, लेकिन रहना बहुत मुश्किल है भाई यहाँ पे। क्या बात करूंगा, लैंग्वेज भी नहीं आती। मौसम देखो यार क्या लोकेशन है, करीब 5-6 किलोमीटर चढ़ना पड़ा हमें ऊपर, लेकिन यार बहुत फैर है। वो इंजन खा लिया, इंजन कैसे बनाया वो देख लिया, डांस डांस कुछ न
वैसे वापस जाने लग रहे हैं तो अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई। तो गांव के बीच में कुछ ऐसे चौक सा बना हुआ है जहां ये लोग अपना ना कॉर्न वगैरह स्टोरेज करते हैं, तो बस वहां बैठ के थोड़ा सा वेट कर रहे हैं बारिश रुक जाए। और तोफू बोल रहा है सनसेट हम लोग को है, तो यहाँ का सनसेट भी देखो बहुत सुंदर होता है। तो थोड़ा सा बस वेट कर रहे हैं, सुस्ता रहे हैं और बस चलते हैं आगे। Yeah.